हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग फॉर सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IDBI एग्जीक्यूटिव एग्जाम के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि IDBI एग्जीक्यूटिव का जो एग्ज़ाम है 28 अप्रैल को होने वाला है, एंड इसमें सिर्फ आपके पास 28 दिन बचे हैं। एंड लास्ट के दिनों में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी बना के चलनी चाहिए जिससे आपके चांसेस जो हैं वो ब्राइट हो जाएं। एंड तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं। 28 तारीख को तो है, तो 27 दिन आपके बचे हैं, तो 27 दिन तक आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये एक अच्छा टाइम होता है जब मॉक टेस्ट लगाएं एंड अपने आप माइंड को फ्रेश करके रखें। इससे क्या होता है ना, एग्ज़ाम के टाइम में आपको कोई घबराहट नहीं होती है, एंग्जाइटी नहीं होती है कि यार इसमें क्या हो गया, मेरा टाइम लूज़ हो रहा है, मेरा ये मतलब टाइम लूज़ हो रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। इस तरह की जो निगेटिविटी है ना वो सारी हट जाती है मॉक टेस्ट डेली देने से। आपको कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए एंड देखो, इसका जो पेपर है वो 90 मिनट का है, सबको पता होगा। 3 सेक्शंस आएंगे, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का पेपर है, तो ये बहुत कम टाइम होता है। तो आप डेली आराम से 3 मॉक टेस्ट दे सकते हो। यस फ्रेंड, 3 मॉक टेस्ट आप डेली लगाना है आपको, ये इतना भी ज़्यादा नहीं है। एंड देखो, आपको आपको लग रहा होगा कि हमने जो मॉक टेस्ट लिए हैं वो तो उसमें तो सिर्फ 10 या 15 ही हमें फ्री मिल रहे हैं, ज़्यादा नहीं मिल रहे, तो हम डेली लगाएंगे तो कैसे होगा। देखो, मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स आपको बता रखी हैं जहाँ पे आप फ्रीली मॉक टेस्ट लगा सकते हैं फ्री में। तो ऐसी साइट्स में जाइए, अपने आपको रजिस्टर्ड कराइए, कुछ एफर्ट्स कीजिए एंड आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने का टाइम नहीं होता है, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने का टाइम होता है। जितनी भी आपने चीज़ पढ़ ली, आप कोई नई चीज़ नहीं सीखनी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जितना भी आपने पढ़ा हुआ उस पर आपको उसको और अच्छा सुधारना है, कोई नई चीज़ सीखने का टाइम नहीं है ये फ्रेंड्स। तो आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए और कुछ ऐसे एसटी लीजिए जो थोड़ी सस्ती हों, उसमें ज़्यादा क्वान्टिटी हो, ज़्यादा आपके पास मॉक टेस्ट आपको मिले उसके अंदर। एंड तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। ये चीज़ करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस से क्या होता है ना, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चल जाते हैं। देखो, बहुत पीपल एक्चुअली, देखो क्या होता है, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट हिमसेल्फ। पीपल मतलब खुद के बारे में अवेयर नहीं होते कि वो क्या गलतियाँ करते हैं। जब तक उनको थर्ड पर्सन ना बताए कि यार तुमने ये गलती की है, तब तक उसको हमेशा लगता है कि वो सही है, भाई मैं सही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आपको कोई दूसरा पर्सन ना बताए, ठीक है फ्रेंड। तो ये मॉक टेस्ट आपका यही वहाँ पे वर्क करता है। आप मॉक टेस्ट दोगे, आपको वहाँ पे गलतियाँ बताई जाती हैं कि ये आपने गलतियाँ की हैं और आप यहाँ पे वीक हो। वीक चीज़ों को आपको ढूंढना है एंड उस पर आपको वर्क करना है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप जितनी ज़्यादा एनालिसिस करोगे, अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढो, अच्छे तो हो ठीक है, जहाँ पे अच्छे हो वो तो आप अच्छे रहोगे, जहाँ पे आप वीक हो ना वो आपको ढूंढना है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने वीक पॉइंट्स ढूंढ लिया, आप वीक पॉइंट्स पे आपको वर्क करना है। जैसे मान लो आपकी आपसे पजल्स नहीं लग रही, वहाँ पे लिख के आ रहा है आप वीक इन पजल्स, तो वहाँ पे पजल्स पे आप पे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने, ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको ढूंढना है कि ऐसा क्या करता हूँ कि ये वाली गलती मेरे से हो रही है, इसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ, उस चीज़ों पर आपको वर्क करना है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। जितना हो सके आपको वीक जो भी पार्ट आपका वीक है उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट जो है, आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करके चलना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं, जैसे कि जिसका वेटेज एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपको, जैसे हर सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, वेटेज का मतलब है, मेरा कहने का मतलब ये है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं जिसके अंदर। जैसे पजल्स में 5 मार्क्स का होता है, ठीक है, एक पजल 5 मार्क्स की होती है। वैसे ही मैथ के अंदर DI होती है जिसके अंदर 5 मार्क्स की होती है। वैसे ही कॉम्प्रिहेंशन होता है इंग्लिश के अंदर। ये सब ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन है एंड इस पर आपको ज़्यादा फोकस करके चलना है। एंड ये चीज़ अगर आप कर लेते हो तो आपको मतलब ज़्यादा हर्डल्स नहीं करना हो, ज़्यादा मतलब हर्डल्स नहीं मिलेंगे, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम टाइम पे। तो आपको इस तरह से वर्क करना है इसके ऊपर। एंड देखो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा वर्क करने से ये है कि आपके मार्क्स जो है ना वो ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था इसमें। एंड उसके बाद है कि टाइम मैनेजमेंट, आपको अपना खुद का एक टाइम मैनेजमेंट लेके जाना है एग्ज़ाम के अंदर। आपको अपना खुद का टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाना है, एग्ज़ाम से पहले ही टाइम मैनेजमेंट बनाना होता है। उसमें आपको इस तरह से आपको टेबल बनाना होगा,
इसमें आपको लिखना होगा इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऐसे लिखना होगा। और यहाँ पे आपको अपना टाइम लिखना होगा, जितने भी आपने मॉक टेस्ट दोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा ये मेरे टाइम है, इतने टाइम में मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इतने टाइम में मैं ज़्यादा सॉल्व कर लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं तो मैं वो छोड़ूंगा, ये करूँगा, इस इजी वाले को करूँगा। तो आपको इस तरह से अपने यहाँ पे टाइमिंग लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपने टाइमिंग लिखना एंड एग्ज़ाम में वही चीज़ फॉलो करना, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर टाइम गलत हुआ तो देखो पूरा पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। एंड ये इसी पे आपको ज़्यादा वर्क करना है। जो बैंकिंग के स्पेशली जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आप देखोगे बहुत ही इजी होते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपने नहीं बना के गए हो, तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे नुकसान हो सकता है। मतलब आपको एक ही क्वेश्चंस पे आप लगे हुए हो और बाद में जो इजी क्वेश्चन है आप उसको छोड़ देते हो। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, और इस तरह से टाइम टेबल आपको बनाना है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट अपना, कि इंग्लिश को मैं यहाँ पे 20 मिनट दूंगा, रीजनिंग को 35 मिनट दूंगा, मैथ को 30 मिनट दूंगा, इस तरह से आपको एक टाइम टेबल बनाना है। आप सबको पता होगा 90 मिनट का पेपर है, अगर 30-30 मिनट भी दोगे तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अगर जैसे आपको मैथ में ज़्यादा करना है तो यहाँ पे 35 कर दो, रीजनिंग में 30 कर दो, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 25 कर दो इंग्लिश में। तो आपको अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाना है। मैं यहाँ पे बताऊँगा तो वो मेरा हिसाब से होगा, आपको अपना खुद का एक टाइम टेबल बना के चलना है फ्रेंड। इस तरह से आपको पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है, और आपको 28 दिन तक तो ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वहाँ पे, बस ये आपका एक स्ट्रेटेजी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे अटैम्प्ट करने। उसके लिए आप जितना भी जो भी एफर्ट लगा सकते हो अभी लगाना है वो लगाओ। एंड तो ये था पूरा वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।